हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज मेरे पास वन प्लस 9R मॉडल आया हुआ है, जो कि इसमें दोस्तों हाफ शॉटिंग दिखा रहा था। डीसी मीटर में 54 के आसपास मेरे को, 54 के आसपास मेरे को दिखा रहा था शॉटिंग, ठीक है, डीसी मीटर में जब लगा था। तो मैंने फिर इसकी सील निकाली, फिर चेक किया, तब जब ये ऑडियो आईसी के पास ये 6 कैपेसिटर लगे हैं दोस्तों, 6 के 6 शॉटिंग निकले, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों, ये ऑडियो आईसी के बिल्कुल बाजू में जो 6 कैपेसिटर लगे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, दोनों साइड बीप बज रही है, मतलब ये 6 के 6 कैपेसिटर शॉर्ट है दोस्तों, उसमें से एक शॉटिंग होगा दोस्तों, तो अभी हम चेक करते हैं कि कौन सा कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमें रोजिन का उपयोग करना पड़ेगा, इसके ऊपर रोजिंग लगाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम रोजिंग लगा लेते हैं इसके ऊपर। रोजिंग लग चुका है दोस्तों, तो पहले हम इसको फ़ोन में लगा देंगे और बैटरी में भी लगा के, चार्जिंग में लगा के एक बार चेक करेंगे इसको, ठीक है। शॉटिंग हमारा जो कैपेसिटर ख़राब है वो हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे चार्जिंग में लगा के दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर डीसी मीटर लगाएंगे डायरेक्ट 8.2 वोल्ट दे के। देखिए दोस्तों, चार्जिंग में तो लगा लिया लेकिन कुछ हीटिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे। चार्जिंग में तो लगा लिया है, 0.6 एम्पियर ले रहा है चार्जिंग में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिखा रहा है, हीटिंग नहीं हो रहा है। कुछ भी हीटिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, भी हम मदरबोर्ड को फिर से बाहर निकाल, मदरबोर्ड को अंदर ही रहने देते हैं और टीसी का वोल्ट देते हैं डायरेक्ट दोस्तों हम इसको। देखिए दोस्तों, जो कैपेसिटर था वो गल चुका है नीचे की लाइन में, दूसरे नंबर वाला, ठीक है। एक बार फिर से रोजिंग लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो फॉल्ट था हमारा वो मिल चुका है हमें, इसकी वजह से क्या मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था शॉटिंग की वजह से दोस्तों। फिर से एक बार लगाते हैं, चेक करते हैं इसको, मेरा हाथ बीच में आ रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, बीच वाला ही ज़्यादा हीट हो रहा है, तो मतलब हम इसको निकाल लेते हैं, फिर चेक करेंगे हमारे मोबाइल को ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चिमटी की मदद से हम इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, हमने निकाल लिया है जो कैपेसिटर ख़राब था वो, अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो शॉटिंग था वो निकल चुका है कि वही वहाँ का वही है। देखिए दोस्तों, रीडिंग आ चुका है, मतलब शॉटिंग निकल गया है, तो जो कैपेसिटर हमने निकाला वही ख़राब था। अभी हम इसे बैटरी को लगा के एक बार चेक कर लेते हैं,
है दोस्तों, बैटरी का सिंबल आ चुका है, मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। शॉर्टिंग की वजह से बैटरी लो हो चुकी है, तो अभी थोड़ी देर रहने देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, मैंने बैटरी चार्ज कर ली है, वीडियो थोड़ी काट दी है मैंने, 8% कर ली है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मोबाइल ऑन हो चुका है। थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन खुल चुका है, टच भी हो रहा है, कंप्लीट वर्क कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, बीच वाला जो कैपेसिटर था वो हमने निकाल लिया है, और वहीं से हमारा फॉल्ट था। थैंक यू, जय हिंद।